गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित सिर्फ अपनी एक स्माइल से ही लाखों लोगों को दीवाना बना देती हैं। माधुरी जितना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में रहती हैं, उतना ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी चर्चाओं का विषय बनी रहती हैं। वाल अगर उनके वर्क फ्रंट यानी कि प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो माधुरी इन दिनों अपने फिल्म टोटल धमाल को लेकर काफी सुर्खियों में है। और साथ ही बीते दिनों ये भी खबर वायरल रही कि माधुरी की इस फिल्म ने 100 करोड़ से भी ऊपर की कमाई कर ली है। तो वहीं आज अपनी इस खास रिपोर्ट में हम आपसे बात करने वाले हैं माधुरी के बच्चों के बारे में और बात करेंगे कि जिन्होंने एक बार माधुरी का खूब मजाक उड़ाया। दरअसल ये जो वाक्य है तब का है जब माधुरी के दोनों बच्चे यानी कि एरन और रियान ने माधुरी की फिल्म देख रहे थे। माधुरी ने दोनों बच्चों को उनकी फिल्म देखते हुए देख लिया था, लेकिन उस वक्त वो किसी काम के लिए बाहर जा रही थी तो वो चली गई। लेकिन जब माधुरी घर वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे हंस रहे थे और साथ ही उन्होंने कहा कि मम्मा आप इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करते हो। उस वक्त माधुरी ने इस वाक्य को हंसी में ही डाल दिया और बच्चों की ऐसी शरारत पर सिर्फ मुस्कुराती रही। इसके अलावा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि विदेश में अपने बच्चों के साथ काफी सारी बातें माधुरी ने अक्सर ही साझा की हैं। इन्हीं बातों में से एक बात माधुरी ने ये भी साझा की थी कि कैसे अपने बच्चों के साथ वो मस्ती मस्ती में एक बार गाड़ी साफ कर रही थी और उनको किसी ने देख लिया था। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि माधुरी अपने बच्चों के साथ खेलती थी और साथ ही साथ अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती थी। तो वहीं इसके अलावा पार्क भी माधुरी जाती रहती थी और माधुरी ने बच्चों के साथ बेहद ज्यादा टाइम बिताया। विदेश में भी माधुरी ने खुद ही अपने कई इंटरव्यूज में बताया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से अजय की रिपोर्ट।